मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन अमोंग द फॉलोइंग, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप लोग इसमें देखिए कि आपको चेयर फॉर्म दिया हुआ है और ये वाला जो कार्बोकेटाइन है ये कौन सा है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। ठीक है, यहाँ पे यदि हम लोग देखें तो ये कौन सा कार्बोकेटाइन है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे इंडक्टिव के हिसाब से भी देख सकते हैं और हाइपर कॉन्जुगेशन के हिसाब से भी देख सकते हैं। हमें स्टूडेंट्स को दोनों तरीके से ट्रेंड करना है कि इंडक्टिव इफेक्ट में 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री ये वाला कार्बोकेटाइन भी आइडेंटिफाई करना आना चाहिए और इसमें अल्फा हाइड्रोजन भी हमें निकालना आना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कार्बोकेटाइन है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन और ये वाला जो कार्बोकेटाइन है दैट इज द मिथाइल कार्बोकेटाइन। तो ये जो कार्बोकेटाइन होता है वैसे भी लीस स्टेबल होता है। ठीक है, लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल है इनके कंपैरिजन में, क्योंकि कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी होती है इंडक्टिव के हिसाब से वो क्या होती है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, देन मिथाइल कार्बोकेटाइन। ठीक है, लास्ट में आता है ये। तो ये प्लस आई के हिसाब से क्या होती है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। ठीक है, और हाइपर कॉन्जुगेशन के हिसाब से यदि हम लोग देखें तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन के हिसाब से जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे उतना ही ज्यादा यहाँ पे क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन, और उतना ही ज्यादा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है। तो बेसिकली हाइपर कॉन्जुगेशन में जो कार्बोकेटाइन है उसकी स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, अल्फा हाइड्रोजन पे। मतलब कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, अल्फा हाइड्रोजन के। ये हमें यहाँ पे निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, अल्फा हाइड्रोजन कितने होने चाहिए इसमें। अल्फा हाइड्रोजन हम लोग कैसे काउंट करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये मिस्टेक होती है कि हम लोग मैम या सर जो भी है वो अल्फा हाइड्रोजन हम लोग कैसे काउंट करें। तो अल्फा हाइड्रोजन काउंट करने के लिए सबसे आसान सा ये एक मेथड है कि आप लोग कार्बोकेटाइन के जस्ट पड़ोस वाले कार्बन को चेक करो, उस वो कार्बन क्या होता है, अल्फा, और उस अल्फा कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन एसोसिएटेड होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये वाला जो कार्बन है दैट इज अल्फा, ये वाला कार्बन है दैट इज अल्फा, और ये भी क्या है, अल्फा। तो यहां से कितने हाइड्रोजन एसोसिएटेड है, 2, इससे कितने हाइड्रोजन एसोसिएटेड है, 2 हाइड्रोजन एसोसिएटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितने अल्फा हाइड्रोजन हुए, 3, 2, 5 और 2, 7 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन एसोसिएटेड हुए, 3, 2, 5 और 2, 7। ठीक है, तो 7 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पे यदि हम लोग देखें तो ये वाला कार्बन अल्फा, ये कार्बन अल्फा, तो यहाँ पे टोटल हाइड्रोजन कितने हुए, 3, यहाँ पे टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 5 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें यदि हम लोग चेक करें तो एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, ले देखे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 1 अल्फा हाइड्रोजन। तो सबसे ज्यादा जो मोस्ट स्टेबल कंडीशन है यदि इंडक्टिव के हिसाब से देखें तो भी यही आंसर आएगा, यदि हम अल्फा हाइड्रोजन के हिसाब से देखें तो भी यही आंसर आएगा। तो हमारा स्टेबल आंसर आना चाहिए, दैट विल बी द ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर।